की हाईलाइट्स में ये सरकार को उसकी उम्मीद से डेढ़ गुना ज्यादा बोलियां मिली हैं। सरकार को उम्मीद थी कि लगभग 70 से 80 हजार करोड़ का उसको राजस्व मिलेगा पूरे पूरे स्पेक्ट्रम नीलामी से, और पहले दिन में ही सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है। आज भी बोलियां हैं, आज दूसरा दिन है बोली का, और आज सरकार को उम्मीद है कि लगभग 2 राउंड की बोलियां चलेंगी, और इन 2 राउंड की बोली में भी जो आंकड़ा है लगभग 600 से 700 करोड़ का ये पहुंचने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये जो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उससे सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ का राजस्व आने की उम्मीद है। सरकार जो रेस्पॉन्स मिला है वो बड़ा ही शानदार था। जो 700 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज, इसके अलावा 3300 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी बैंड है इस पे सबसे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। इसके अलावा जो सर्विस एरियाज है उसमें महाराष्ट्र है, मुंबई है, दिल्ली है, कर्नाटक है, गुजरात है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, ये जो सर्कल्स हैं, ये जो सर्विस एरियाज है इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था टेलीकॉम कंपनीज का। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी इन एरियाज में ज्यादा है, तो जो प्रीमियम सर्विस रेंज है वो लोग यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, तो उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में या जो स्पेक्ट्रम पे उन्होंने खर्चा किया है उसको रिकवर करने में आसानी होगी। इसके अलावा 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो एक नॉर्मल बैंड है जिसको की लेकर पहली बार इतना ज्यादा रिस्पॉन्स कंपनीज की तरफ से मिला है। सरकार का कहना है कि ये अप्रत्याशित है क्योंकि पिछली बार की जितनी भी बोलियां थी उनमें कभी भी 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड था उससे इतनी ज्यादा बोलियां नहीं आई थी, इतना इंटरेस्ट कभी शो नहीं किया गया था। आज का जो ऑक्शन है उसको देखना इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से क्या ये 2 राउंड में ही खत्म हो जाता है या फिर अगर और इससे ज्यादा राउंड बढ़ते हैं तो सरकार को जो राजस्व है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जी